दिल्ली से सटे फरीदाबाद में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक गुरु ने गुरु शिष्य के रिश्ते को न सिर्फ कलंकित किया बल्कि गुरु शब्द का ही अपमान किया है। पुलिस के गिरफ्त में दिख रहा ये बुजुर्ग शख्स अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों को गिन रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसकी हवस की भूख खत्म नहीं होती। इस शख्स ने अपनी पोती समान नाबालिग शिष्य का न केवल बलात्कार किया बल्कि एक साल तक उसे टॉर्चर करता रहा। गुरु का लिबास ओढ़े ये वैश्य दरिंदा उस मासूम की इज्जत को तार तार कर चुका है जो इस पर भरोसा करती थी। वो मासूम अपने गुरु के बताए हुए तौर तरीके सीख रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जो गुरु उसे लड़ने के दावपेच सिखा रहा है, एक दिन वही उसकी इज्जत को अपने पैरों तले रौंद देगा। 14 साल की मासूम को इस बेरहम ने इतना तड़पाया, उसे इतनी मानसिक यातना दी कि उसने अपनी जिंदगी को ही खत्म करना चाहा। 60 साल के कराटे कोच ने उससे कराटे सीखने आ रही 14 साल की नाबालिग के साथ एक साल तक रेप किया और उसे शादी करने के लिए मजबूर करने लगा, जिससे तंग आकर पीड़िता ने मुजेसर इलाके के एक गहरे नाले में कूद कर अपनी जान देनी चाही, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। मेरे पास किसी एक आदमी का फोन आया, मेरे पास कोई बिटिया नाले में गिर गई। हम तीन जने फिर वहां पे पहुंचे, वहां पे तो उस बिटिया को नाले में से निकाला। उसे आप लोग निकाला? पब्लिक निकाल चुकी, पब्लिक निकाल चुकी थी उसे। अच्छा, फिर हमने जाके पूछा उस लड़के से, क्या बात है बेटा, क्या है? पड़ोस की लड़की? आप पड़ोस की लड़की थी हमारी। अच्छा अच्छा। एक को उस लड़की बता रही थी, मेरे अंकल जी कोच है कोई। अच्छा। जुड़े कराटे वगैरह सिखाता। अच्छा अच्छा। वो मेरा पीछा कर रहा है लड़की। अच्छा, उसी का कोच था वो? उसी उस लड़के का कोच था। अच्छा। और उसने मेरे साथ कोई गलत काम भी करे उसने। अच्छा। वो लड़की बोल रही थी और उस लड़की ने नाले में कूद गई। अच्छा, तो वहाँ लोगों ने जब निकाला तो कोच वहीं था मौके पे? नहीं, कोई मौके पे नहीं था, वो बाद में आया, अपने लड़की के पिताजी को लेके आया साथ। पकड़ लिया लोगों ने? हाँ, लोगों ने पकड़ लिया उसको, पकड़ लिया पुलिस के हवाले, पुलिस के हवाले कर दिया। मतलब पिटाई भी की उसकी? पिटाई भी करी उसकी, दो चार थप्पड़ पब्लिक ने मारे उसमें। फिलहाल अब पुलिस के हवाले? फिलहाल पुलिस के हवाले है, पुलिस उसे अरेस्ट हो। बच्ची की कंडीशन कैसी है? बच्ची कंडीशन अभी कुछ ज्यादा ठीक नहीं, इलाज चल रहा है। इलाज चल रहा है लड़की। होश में आने के बाद जब पीड़िता ने अपनी आपबीती बताई तो हर कोई सन रह गया। पीड़िता ने बताया कि कराटे कोच रणबीर ने उसके साथ एक साल तक दुष्कर्म किया। मामला 23 जून की लगभग 3 बजे का है, जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को फोन आया कि एक युवती मुजेसर इलाके के गंदे नाले में कूद गई है। उसको कूदते देख आसपास मौजूद लोगों ने नाले में छलांग लगाकर युवती को बाहर निकाला और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बच्ची को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान बच्ची ने बताया अपने साथ कोच द्वारा पिछले एक साल से किए जा रहे रेप और दबाव के बारे में। इसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने बच्ची के दर्ज बयानों के आधार पर पुलिस को लिखित शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक मामला एसएचओ मुजेसर के सामने आया है, एक लड़की है 14 साल की, उसने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने जो है अपने स्टेटमेंट नोट करवाई है, उसके बाद एक केस रजिस्टर किया फरीदाबाद पुलिस ने और इसमें 65 वर्षीय एक आरोपी है रणबीर, उसको हमने गिरफ्तार किया है, जिसको जुडिशियल भेज दिया। मामला यह था 2020 में लड़की 14 वर्षीय जो लड़की थी उसके साथ उसने उसकी मर्जी के खिलाफ जो है उसने संबंध बनाए और उसको शादी के लिए दबाव डालता रहा। लड़की ने पहले शर्म के मारे जो है कोई भी किसी तरह की स्टेटमेंट पुलिस के सामने नहीं दी और न ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने दी, लेकिन बाद में लड़की ने जो है उसकी उसे आहत होते हुए उसके दबाव से जो है आहत होते हुए जो है लड़की ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने दी, जिसके बाद केस रजिस्टर हुआ और पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया। जी, जब लड़की को ज़्यादा दबाव महसूस हुआ तो लड़की ने जो है चूहे मारने की दवाई जो है वो खा ली थी और अपने आप को ख़त्म करने के लिए एक नाले में सुसाइड करने की कोशिश की, नाले में कूद गई थी वो। वहाँ आसपास के पड़ोसियों ने जो है उसको निकाला और उसके बाद उन्होंने इसके खिलाफ जो है कंप्लेंट दी। आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत 506 के तहत केस रजिस्टर करके और कार्रवाई मल में नियमानुसार कार्रवाई मल में लाई जा रही है और आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। इसमें जो भी इसमें कड़ी से कड़ी जो सजा इसमें आरोपी के लिए बनेगी वो कड़ी से कड़ी सजा पुलिस इसमें दिलवाएगी।
गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली ये वारदात वाकई हैरान कर देने वाली है। जिस गुरु से शिक्षा लेकर नाबालिग अपनी रक्षा करना चाहती थी, उसी गुरु ने उसकी इज्जत को तार तार करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। उसने ये नहीं सोचा कि उस मासूम के सामने अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, उसके भविष्य का क्या होगा। जब एक गुरु ही इस तरह की हरकतों पर उतर आए तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल तो उठना लाजमी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।